यो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका BGMI की एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपने कभी कहीं और नहीं देखा होगा। तो गाइस, जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि मैंने आज एडिटिंग थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की करने की कोशिश करी है। तो गाइस, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना आपको एडिटिंग कैसी लग रही है। तो गाइस, आप ये मत सोचने कि ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो गाइस, ऐसे ही थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल कमेंट में बताना कि आपको कैसी लग रही है, वरना मैं पहले की तरह ही नॉर्मल कर दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना कुछ अलग होने वाला है कि आपने ना लोगों को ग्लिच आप लोगों के कपड़ों में देखा होगा, और बल्कि इस लोगों में देखा होगा, कैरेक्टर में देखा होगा, पता नहीं किस किस चीज़ में ग्लिच देखा होगा। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में ग्लिच जूतों में होने वाला है, कपड़ों में नहीं, जूतों में। तो गाइस, बने रहिए। आप ये मत सोचो, आप कहोगे कि भाई ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या गा रहा है आज, इन्हें कुछ सुट्टा उट्टा मार ले दिखा है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अरे यार, आप देखो गाइस, आप देख के पता करो। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं उतरा होता हूँ यहाँ पर। कहाँ उतरा था मैं, ये, अरे मिस गाइस, मैं जगह भूल गया। कोई बात नहीं गाइस, आप कमेंट में बताना क्या जगह थी, क्योंकि यहाँ कंटेनर पड़े रहते। तो गाइस, यहाँ से हम थोड़ी सी लूट कर यहाँ से निकल लेते हैं आगे की तरफ, और पीछे मैंने एक बोट भी मारा था गाइस। आज हम ऊपर नहीं गए होते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ खास होता नहीं, हम उतरते ही मारे जाते हैं। तो गाइस, क्या फ़ायदा, तुम्हारे भाई की बेइज्जती हो जाती है। तो गाइस, आज हम अपने टीम मेट के साथ यहाँ पर जा रहे होते हैं, और भाई कहीं पर भी बंदे नहीं मिल रहे होते हैं। गाइस, मैं स्कूल छान मारता हूँ, अपार्टमेंट देख लिया सारा, बंदे नहीं मिल रहे। हमने सोचा कि भाई हमारे नाम के तो बंदे कहीं चले गए हैं, लगता है पूरी आइलैंड पे हम ही हैं आज यहाँ पे। तो लेकिन गाइस, हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं, हमारे टीममेट यहाँ पर स्टंट करने लगे थे। नु कहते हैं भाई बंदे तो मिल नहीं रहते हैं, तो बग्गी से स्टंट ही कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ये बग्गी अगर एक बार भी पलट गई ना, देखो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से छतों पर से कुदारे होते हैं, हमने कहा मगर बग्गी पलट गई ना, दोनों की पेटी डल जाएगी यहीं पर, बहुत खतरनाक होती है इसके साथ स्टंट करना। तो लेकिन हमारे टीममेट फिर चला रहे होते हैं, आराम से ढूंढ रहे होते हैं भाई बंदों को, लेकिन भाई बंदे नहीं दिख रहे होते। हम यहाँ पे सारे में भटक लिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, फिर हम सोचते हैं भाई नीले खंभों पर चलो, वहाँ पर तो होंगे ही बंदे। लेकिन गाइस, वहाँ पर भी बंदे नहीं होते हैं। हम सब जगह ढूंढ लिए, हमने कहा भाई बंदे कहाँ गए, सब मारे गए क्या। लेकिन गाइस, बंदे होते हैं बहुत अलाइव। हमने कहा यार जब से ये आया ना, बंदे मिलते नहीं, सब तो ऊपर चले जाते हैं, हम कहाँ से लाएँ बंदे। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं, आराम से ढूंढ रहे होते हैं कि भाई बंदे कहाँ पर है, बंदे कहाँ पर है। हम बंदूक की फायरिंग भी करते हैं जिससे बंदों को बुलाया जा सके। लेकिन अचानक से एक फास्ट एंड फ्यूचर की तरह एक गाड़ी भगाता हुआ आता है, बग्गी भगाता हुआ। हम करते हैं उसका पीछा। हमने कहा भाई रुको, हाँ भगे जा रहे हो इतनी तेजी से बग्गी लेकर। वो भाई रुकता ही नहीं है, उसका इतना पीछा करते हैं। लेकिन फाइनली वो आगे जाकर एक घर में अपनी गाड़ी को रोक लेता है, और हमको चकमा दे देता है। लेकिन हम कहते हैं भाई वो रुक गया है, पीछे वापस चलो। तो हमारे टीममेट वापस से उस घर में रोकते हैं जहाँ पर वो रुका हुआ होता है। तो गाइस, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और इसके ऊपर रश कर देते हैं। और गाइस, यहाँ पर ये बंदा मेरे को भी डैमेज देता है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए इसको मारना ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो तुम्हारा भाई भी अंदर जाता है और इसको फिनिश कर डालता है। और देखना गाइस, इसके बाद क्या ही सीन होने वाला है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, आप लोटपोट हो जाओगे गाइस हंसी के मारे। तो गाइस, इसको फिनिश करने के बाद, और गाइस इसका वो देखो, इसने मैचिंग क्या ले रखी है, शॉर्ट गन और M4। बताओ इसको कोई गन नहीं मिलेगा शॉर्ट गन और M4 के साथ, बताओ। तो गाइस, हम लोग कोई नहीं, इसके बाद हम इसकी बग्गी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी बग्गी में तो खुद तेल नहीं था। तो हम अपनी वापस से अपनी बग्गी उठा लेते हैं और यहाँ से चल देते हैं। तो गाइस, आज हमको सभी बंदे फास्ट एंड फ्यूचर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसको इसकी बग्गी हम फोड़ देते हैं, ज़्यादा गोली वोली मारते हैं इसकी बग्गी में, लेकिन इसकी बग्गी कुछ होता नहीं। लेकिन गाइस, अगला बंदा भी हमको फास्ट एंड फ्यूचर की तरह ही बाइक भगाता हुआ दिखता है, बाइक नहीं सर गाइस, बग्गी ही भगाता हुआ दिखता है, ऐसे भगा कर ले जाता है साइड में से जरूर। तो लेकिन गाइस, हम उसका पीछा करते हैं, फिर से हम उसके ऊपर फायरिंग भी करते हैं। लेकिन गाइस, अचानक से ये बंदा यहाँ पर रोक लेता है। हमने कहा ये तो काफ़ी जज्बे वाला है, तो हम इसके ऊपर फायरिंग करते हैं गाइस, इसको काफ़ी डैमेज भी देते हैं। लेकिन गाइस, हमको कहीं और से भी डैमेज पड़ रहा, तो हम जा सोचते हैं कि भाई कवर में चलते हैं, लेकिन हमारी पेटी डल जाती है। अपने लापरवाही का नतीजा गाइस,
ये बंदा तो पीछे से आ गया था यार, इसका एक और टीममेट भी। तो कोई बात नहीं गाइस, हम अगला गेम प्ले शुरू करते हैं। और गाइस इस बार हमारे पास होता है 6x। और भाईस तुम्हें पता है इस बार हमको अच्छी लूट मिल जाती है, और इसीलिए हमने अगले गेम प्ले की शुरुआत 6x से की होती है खेत भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है तुम्हारे भाई को ये भी। और भाई ATX और AWM का तो अपना ऐसा है जैसे GF के नाम पे एज अ फ्रेंड, कुछ ऐसे कहते हैं ना गाइस, हमको पता नहीं है गाइस, तो जो भी आप देख लेना, हमको ऐसे मिलता है यार ATX तो, वो भी AWM के साथ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर ऐसे अपने 6S और M4 के साथ जा रहे होते हैं, अच्छी खासी लूट ले रखी होती है। लेकिन 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 तुम्हारे भाई की खुशी ज़्यादा देर तक ये रहती नहीं। लेकिन गाइस इस बार हम काफ़ी बंदे निपटाने की सोचते, क्योंकि गाइस हम संभल कर खेलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है 8 6X, सॉरी गाइस। तो गाइस आगे से फिर से हमको रिकॉर्ड फास्ट एंड फ्यूचर वाला बंदा मिलता है, भगा ले जा रहा होता है अपनी बाइक को जुर जुर, लेकिन हम उसको पकड़ लेते हैं, उसकी बाइक में ठोक देते हैं अपनी बग्गी को, और हम इसको फिनिश कर देते हैं, और तुम्हारा भाई इसको किल ले लेता है। तो गाइस इसकी काफ़ी लूट मिलती है, इसकी अपनी लूट पूरी, वैसे हमारे पास हमारी लूट काफ़ी थी, लेकिन थोड़े बहुत लूट इसकी जो भी थी हमने ले ली होती है। और हम लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, और यहाँ से निकल भी लेते हैं। तो गाइस मैं देख रहा हूँ तो इसकी पेटी में कुछ मिल जाए काम का, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है सिर्फ एमओ के सिवा। तो मैं भी अपनी थोड़ी बहुत एमओ, बेकार वाली एमओ सारी छोड़ कर इसकी एमओ उठा लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो गाइस ऐसे हम लोग यहाँ पर नीले खंभों की ओर घुमा रहे होते हैं, फिर से अपनी बग्गी को फास्ट एंड फ्यूचर बना रखा होता है हमने इसको, और अच्छे से घुमा रखा होता है हमने। और गाइस आगे जाकर फिर से हमको देखते हैं कि भाई बंदे मिल जाएं, बंदे मिल जाएं, बंदे। भाई जब से ये ऊपर जाने वाला सिस्टम है ना, इसमें बंदे मिलते नहीं है, ढूंढने से भी काफ़ी कम मिलते हैं, और वो भी जा रहे होते हैं इसी की तरफ। तो भाई हमारे टीम मेट फिर से स्टंट दिखाने लगते हैं, और इस बार हम एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि भाई बग्गी पलट गई एक बार तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम भाई सिक्योरिटी के लिए उतर जाते हैं, और गाइस फिर से हम लोग जाने लगते हैं अपार्टमेंट की ओर। और हमें क्या पता था कि अपार्टमेंट में क्या होने वाला है। हम अपने टीममेट को कहते हैं भाई अपार्टमेंट ले लो, अपार्टमेंट बंदे होंगे, कैंपर हमसे बड़ा कैंपर थोड़ी ना है कोई। लेकिन गाइस वो तो हमसे ही बड़े कैंपर निकलते हैं। अरे आप देखो गाइस, अब देखना आप क्या होता है यहाँ पर। तो हमारे टीममेट देखते हैं कि भाई कौन सी बिल्डिंग में है बंदे, और भाई पता चलता है कि बंदे हैं सामने वाली बिल्डिंग में, जो छोटे वाली बिल्डिंग होती है। तो हमारे टीममेट यहाँ पर अपनी बग्गी को रोक देते हैं और ऊपर से आते हैं फुट स्टेप। भाई दो दो बंदे हो रहे हैं और विदाउट फुट स्टेप बैठे होते हैं, भाई इतनी तगड़ी कैंपिंग लगा रखे थे, 9 फुट स्टेप दे रखे होते हैं। तो हमारे टीममेट कहते हैं भाई अपनी हेल्थ वेल्थ बढ़ा लो जितनी भी हैं, और फिर हम चलते हैं ऊपर। तो हमारे टीममेट भी यहाँ पर अपनी हेल्थ वेल्थ लगाने के बाद ऊपर की ओर भाग लेते हैं, और हम भी भाग लेते हैं उनके पीछे पीछे। तो हमने कहा भाई चलो सारे कमरे हुए देखते हुए चलेंगे, संभल कर चलना। तो हमारे टीममेट भी भागे हुए जाते हैं फास्ट एंड फ्यूचर की तरह, और गाइस हम सबसे टॉप फ्लोर पर आ चुके होते हैं इस वाली बिल्डिंग के, और गाइस ये ना लेफ्ट में होते। तो हमने सोचा भाई सामने वाले रूम में होंगे, तो हमने देखा कहीं कूद तो नहीं गए, और भाई इन लोगों ने तो लगा रखी होती अगले वाले रूम में कैंपिंग। मैं अंदर घुसता हूँ और भाई देखता हूँ, और भाई अंदर जाते इन दोनों ने हमारी पेटी डाल दी होती है। भाई इतना तगड़ा कैंप लगा रखा था ना, बहुत ही तगड़ा, और अब रिवाइव खेल रहा होता है। तो गाइस हम लोग फिर से अगला गेम प्ले शुरू करते हैं, और गाइस इस बार तो उन्होंने हमको ऊपर से नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है ऊपर, तुम तो भाई उतरते ही नोक हो जाते हो, इससे बढ़िया तुम नीचे ही रहो। तो भाई उन्होंने हमको नीचे ही गिरा दिया होता है, ऊपर लिया ही नहीं। तो गाइस हम लोग कोई बात नहीं, हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम भी कभी प्रो प्लेयर बनेंगे, हम भी कभी बनेंगे, हम भी आएंगे ऊपर। तो गाइस कोई बात नहीं, हम लोग फिर यहाँ से नीचे जा रहे होते हैं, कि भाई नीचे से आ रहे होते हैं भाई बहुत सारे बंदे। तो भाई कम से कम एक टीम तो उतरी है मेरे ख्याल से, एक बंदे तो मेरे सामने जा रहा होता है। तो मैंने सोचा भाई इसके तो पीछे मैं ही जाऊंगा, चाहे मुक्को से मारना पड़े। और गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर होता क्या है, हम इसको मुक्को से मार देंगे, और इसके पास होती है गन। अरे गाइस सच में कह रहे हैं, आप देखो यार तुम पागल मानते हो मेरे को भाई, यार तुम देखो अब। तो गाइस मैं जाता हूँ उसको फिनिश करने के लिए, मेरे को गन वगैरह तो मिलती नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ उसके पास। हमारे टीममेट उसको देख रहे होते हैं कि भाई वो है कहाँ पर, लेकिन मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ ऐसे ही। और गाइस मैं यहाँ से आराम से झुकते झुकाते जाता हूँ, और यहाँ से आते मेरे को 2-3 फुट स्टेप्स। और गाइस ये मैं इसके पीछे पीछे हो लेता हूँ, उसको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर टीपी भी ले रहा होता है। और गाइस मैं इसके पीछे इसके एक मुक्के में इसको फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको ये, देखा गाइस एक एक मुक्के में मार देता हूँ मैं। और गाइस यहाँ पर आपको एक मैं ऐसा बंदा दिखाऊंगा जो लगता है नूब, लेकिन भाई वो होता है प्रो, वो भाई तुम्हारे भाई की पेटी डालने वाला होता है।
भाई नूब कपड़े पहन कर आते हैं और दिखाते कि हम नूब हैं और भाई पेट डालकर चल देते। आगे एक और बंदा हो रहा होता है, लेकिन शायद ये तो नूब ही होता है, ये तो ऐसी चला, तो भाई मेरी गली रोडिंग पे फंस जाती है और हम इसको फिर फिनिश कर देते हैं। लेकिन गाइस अब आप देख, अब आपको हम एक वो गिलिच दिखाते हैं गाइस, जूतों वाला जो हम आपको दिखा रहे थे। तो गाइस अब आप देखना, हमारे जो टीममेट है ना उनके आप जूतों पर ध्यान देना। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमको भी पता नहीं चला, हमको बाद में देखा कि यार भाई तुम्हारे जूते कैसे हो रहे हैं, कहते आइस बोर्ड जैसे चल रखे तुम। तो गाइस यहाँ पर जितने भी बंदे मार रहे थे हम उनकी पेटी वगैरह लूटते हैं आराम से, मस्त एकदम मजे में पेटी लूट रहे होते हैं और यहाँ से चल रहे होते हैं। लेकिन हमारी नज़र हमारे टीममेट की ओर जाती है और हम कहते हैं भाई जरा रुको यार, यार देखो गाइस आप हमारे टीममेट के जरा जूतों पर ध्यान दो। अरे यार तुमसे लेट गए, देखो गाइस अब हम हमारे टीममेट के शूज पर ध्यान दो। हम उनको कहते हैं भाई तुम्हारे जूते बड़े अजीब से दिख रहे हैं यार जब तुम चलते हो। तो गाइस अब देखना हम, देखो गाइस देखो अब पता नहीं यार कितने लंबे लंबे से हो जाते हैं। आपने ध्यान दिया, कमेंट में बताओ आपने ध्यान दिया हो तो गाइस क्या है, ऐसा भी हो जाता है क्या, किसी के साथ हुआ है ऐसा। अब देखो हमारे टीममेट चले, देखो गाइस कैसे हो गए ये जूते। तो हमने कहा भाई कोई गिलीच है पक्का, कोई दिक्कत आ रही है, तो यार तुम्हारे शूज ही ऐसे हैं। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है क्या किसी के साथ भी। तो हमारे टीममेट को तो लग दिख नहीं रहा होता कि मेरे जूते ऐसे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन गाइस फिर से हम देखते हैं कि आगे की ओर एक बंदा आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं इसको ट्रोल करेंगे, नूब लग रहा है तो हम इसको ट्रोलिंग करने के लिए हम इसके पास जा रहे होते हैं। लेकिन भाई ये पीछे से निकालता है गन और पट 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 करके हमारी डाल देता है, पेट ही तो डाल दो भाई, नो कर दो। हम कहते भाई टीममेट को भाई बचाओ यार, ये तो नूब नहीं है प्रो है ये। तो हमारे टीममेट भाई उड़ते हुए आते हैं और हमको बचा लेते हैं और हमको रिवाइव दे देते हैं। तो गाइस फिर हम रिवाइव होते हैं और इसको ट्रोल कर देते हैं, हमारे टीममेट इसको कंधे पर उठाकर भाग लेते हैं। तो गाइस अब आप देखना, हम रिवाइव होते ही हमारे पास यार हेल्थ किट वगैरह भी नहीं होती है, तो हमारे टीममेट इसको कंधे पर उठा लेते हैं और कहते हैं भाई चलो इसको भगाकर ले जाएंगे और इसको भगते भगते ही मार देंगे। तो गाइस अब लंबी बात हम छोटी करते हैं, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और गाइस आगे हम पोचंग की जाते हैं और वहाँ पर बहुत खतरनाक फाइटिंग होती है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। नहीं गाइस हम फिनिश नहीं होते, हम मर नहीं जाते हैं गाइस, ऐसे फाइटिंग चलती है, हम बहुत बंदे प्रो प्लेयर को पेल देते हैं। तो बाय बाय, लव यू।